जय हिंद मेरे प्यारे शौर्यवीरों, और मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो, आप सभी के लिए, आपके पूरे परिवारजनों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए अगला साल। यही मेरी और पूरे शौर्य भारत परिवार की आप सभी को शुभकामनाएं। मन में आप सभी के ख्याल जरूर है, जितने भी बच्चे जो आर्मी एग्जाम या एयरफोर्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप सभी के मन में है ये कब आएगा। ये हालांकि मैं जो ये मेरी नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं, इसके साथ इसको मैं ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं तो आपके मन में ये जरूर बात आ रही होगी कि सर शुभकामनाएं तो ठीक है, पर एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बातों को लेके, कोविड की परिस्थितियों को लेके जो एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा था, अब ये बहुत ही सामने जाहिर सी बात है कि वो रीजन जिसका बार बार बहाना लिया जा रहा था, वो तो रीजन अब जनवरी के माह में आप अभी न्यूज देख रहे हैं, दिसंबर के एंड में आप न्यूज देख रहे हैं, ओमिक्रॉन और ये सारी जो बातें चल रही हैं, कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो चीज तो अब सामने आ चुकी है। तो यहां पर संभवतः ऐसा हो सकता है कि 30 जनवरी को परीक्षा ना हो। मेरी जब बातचीत हुई तो मुझे यही बताया गया, जानकारी दी गई कि यदि एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तक किसी को भी पुख्ता जानकारी नहीं है किसी भी लेवल के ऊपर, तो ये कह देना नहीं होगा, ये कह देना होगा, तो वो नाइंसाफी होगी आपके साथ, आपको भ्रमित करने की बात नहीं होनी चाहिए यहां पर। लेकिन अगर 3 या 4 या 5 तारीख तक यदि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई पुख्ता जानकारी नहीं आती है, तो ये मान के चलिए कि 30 जनवरी को एग्जाम नहीं होगा। यहां पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो दौर है, ये जो वक्त है, आपने इतना लंबा समय गुजारा है, अपने हौसलों को कायम रखा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ी सी देर और है, आप एग्जाम्स की तैयारी को ना छोड़ें। ये एग्जाम्स होंगे और मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्यार, आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग जरूर, जो आपने जज्बा लिया है, जुनून जो है आपके अंदर इस देश सेवा का, वो पूरा हो, नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और नए वर्ष में आप अपने मुकाम को हासिल करें। जय हिंद, जय भारत।